हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल बाइकोपीडिया। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट अमन। गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं द ऑल न्यू वन एंड ओनली R15 वर्जन 4 मॉडल। गाइस, आज हम लोग बात करने वाले हैं इस गाड़ी के लेटेस्ट फीचर्स, लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में, एंड मैं कुछ ऑफर भी आपके लिए लेकर आया हूं, तो वो भी हम लास्ट में जरूर डिस्कस करेंगे। तो गाइस, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें सभी अपडेट्स देखने के लिए। एंड इसी के साथ गाइस, अगर आप लोग वीडियो में नए हैं, हमारे चैनल पे नए हैं, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहें, ताकि हम आपके लिए आगे भी नए नए अपडेट्स लेकर आ सकें। एंड वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो चलिए गाइस, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा, यहाँ पे ट्यूबलेस टायर्स आप लोगों को देखने के लिए मिल रहे हैं। MRF क्वालिटी के आपको, MRF कंपनी के आपको टायर्स मिलेंगे। एंड ये गाइस टायर यहाँ पे ट्यूबलेस देखने के लिए मिल रहे हैं अपने को, जैसा कि मैं दिखा रहा हूँ। एंड इसी के साथ आपको स्ट्रॉन्ग एलोई व्हील सेटअप मिलता है यहाँ पे, एंड काफ़ी ग्लॉसी फिनिशिंग के साथ यहाँ पे R15 के स्टिकर्स भी देखने के लिए मिल रहे हैं। तो ये गाड़ी जब चलती है तो गाइस एक काफ़ी अट्रैक्टिव लुक यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। एंड इसी के साथ बात कर लेते हैं, यहाँ पे मैं आपको ABS के साथ गाइस यहाँ पे डिस्क ब्रेक आपको सेटअप मिल जाता है, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग ब्रेकिंग कॉम्बिनेशंस काफ़ी अच्छे बैठते हैं इससे, जिससे गाड़ी कभी भी आपकी स्लिप नहीं करती। एंड इसी के साथ अब मैं आपको दिखा देता हूँ आपको जो इसके सस्पेंशंस हैं। तो गाइस, सस्पेंशंस आप देख पा रहे होंगे, जैसा कि मैं आपको पुरानी वाली R15 के सस्पेंशंस यहाँ पे दिखा देता हूँ एक बार। गाइज, ये आपको पुरानी वाली R15 के सस्पेंशन आपको देखने के लिए मिल रहे होंगे। एंड इसी के साथ गाइज, यहाँ पे नई वाली R15 के जो सस्पेंशन है वो आप देख पा रहे होंगे, काफ़ी स्ट्रॉन्ग एंड काफ़ी मस्कुलर इसके सस्पेंशन दे रखे हैं, जो कि इसकी क्वालिटी को इन्हेंस करने के लिए यहाँ पे दिए गए हैं। एंड इसी के साथ यहाँ पे ABS की बैजिंग आप लोगों को देखने के लिए मिल रही है। एंड गाइज, जो बिल्ड क्वालिटी की अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग एंड काफ़ी क्लासिक इसकी जो बिल्ड क्वालिटी यहाँ पे दी गई है। साथ ही गाइज, अब यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा और मैं हैंड टू हैंड आपको कंपेयर भी करता चाहूँगा कि वर्जन 3 में आपको क्या मिल रहा था एंड अभी वर्जन 4 में क्या अपडेट्स आई है। तो गाइज, सबसे पहले मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँगा आपसे जो इसकी लाइटिंग आप देख पा रहे हैं। तो गाइज, लाइटिंग का ये जो बिल्कुल स्लिम आपको लाइटिंग यहाँ पे दी हुई है, साथ में इसी के साथ साथ प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स यहाँ पे दिए हुए हैं। तो गाइज, ये मैं आपको कंपेयर करके दिखा देता हूँ कि वर्जन 4 में आपको क्या बेनिफिट मिल रहे हैं। तो गाइज, ये यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वर्जन 3 है। तो गाइज, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे लाइटिंग सेटअप कैसा है, प्लस इसमें प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स भी नहीं है। तो गाइज, ये चीज़ आप लोगों को ये देखने के लिए मिल जाएगी। ये एक लेटेस्ट अपडेट में गाइज, ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पे काफ़ी नई मिल रही है एंड काफ़ी यूनिक डिज़ाइन यहाँ पे दिया हुआ है लाइटिंग का। एंड इसी के साथ R15 की यहाँ पे बैजिंग दी हुई है, स्टिकर्स काफ़ी अट्रैक्टिव लगाए हुए हैं यहाँ पे, तो जिस तरह का आपको डिज़ाइन देखने के लिए मिल रहा है, काफ़ी अट्रैक्टिव गाड़ी होने वाली है गाइज ये। काफ़ी आपका वर्किंग एक्सपीरियंस भी काफ़ी अच्छा होने वाला है इस गाड़ी से। यहाँ पे नंबर प्लेट के लिए स्पेस दे रखा है, विंडशील्ड काफ़ी अच्छी दे रखी है। एंड इसी के साथ यहाँ पे दोनों साइड पे इसके मिरर्स भी दिए हुए हैं। तो गाइज, जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ, मिरर्स बिल्कुल आपको यूज़ करने ही करने हैं। तो चलिए गाइज, अब मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा देता हूँ इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर कैसा है। तो यहाँ पे आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा, जैसे ही मीटर स्टार्ट होता है आपने देखा होगा R15 की बैजिंग यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती है अपने को। यहाँ पे गाइज, साथ ही साथ आपको ABS का सेंसर यहाँ पे दिया हुआ है। यामाहा ने अपनी लोगो भी काफ़ी सही दिया हुआ है यहाँ पे। एंड इसी के साथ न्यूट्रल साइन, एंड मैं एक बार और टर्न ऑफ करके आपको लेटेस्ट इसमें दिखा देता हूँ क्या क्या चीज़ें हैं। यहाँ पे आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, जिनमें से आप कॉल पिक एंड मैसेजेस देखना हो वो सब यहाँ से आपको मिल जाएगा। बात कर लेते हैं इसके अंदर के ऑप्शंस की, यहाँ पे गाड़ी कौन से गियर में चल रही है अभी एज ऑफ नाउ। गाड़ी जैसे कि आप देख पा रहे हैं न्यूट्रल में है, तो जैसे कोई सा भी गियर आप इसमें रखते हैं तो वो यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। तो गाइज, यहाँ पे आप लोगों को ट्रैक मोड एंड स्ट्रीट मोड यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पे दो मोड्स आपको देखने के लिए मिल जाते हैं, जैसे कि आप अगर कहीं स्ट्रीट में कोई नॉर्मल वे में अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो यहाँ पे आप स्ट्रीट मोड में गाड़ी को रख सकते हैं, ताकि आप लोगों को एवरेज भी अच्छा मिल जाएगा और स्पीड भी ठीक ठाक सही मिलेगी। एंड इसी के साथ जब आप इसको ट्रैक मोड पर लेके जाते हैं तो गाइज, इसमें स्पीड 150 किलोमीटर पर आवर से भी ज़्यादा मिल सकती है। तो ये एक ऑप्शन काफ़ी सही है इसमें। एंड इसी के साथ यहाँ पे RPM मीटर दिया हुआ है, टाइमिंग दिखा रखी है क्या टाइमिंग हो रही है, एंड स्पीडोमीटर है इसमें कितनी स्पीड आप पे रन कर रहे हैं आप। ट्रिप 1 एंड ट्रिप 2 के यहाँ पे ऑप्शंस मिल रहे हैं, ताकि आप एग्जैक्ट एवरेज भी इसका कैलकुलेट कर सकें। एंड इसी के साथ यहाँ पे मंथ मैं देख पा रहा हूँ, एंड यहाँ पे जो है आपको टोटल किलोमीटर्स यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे। एंड यहाँ पे पेट्रोल का साइन दिया हुआ है, तो ये चीज़ काफ़ी गाइस सिंपल, काफ़ी अच्छा अट्रैक्टिव आपको यहाँ पे इसका मीटर देखने को मिल जाता है।
तो चलिए गाइज यहाँ पे बात कर लेते हैं इसके हैंडल बार्स के बारे में। तो हैंडल बार्स में गाइज क्या क्या ऑप्शंस आपको देखने के लिए मिल जाते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। इग्निशन को टर्न ऑफ एंड टर्न ऑन करने का यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल रहा है जो कि स्टॉप और रन के नाम से है। एंड गाइज यहाँ पे सेल्फ स्टार्ट आपको डायरेक्ट यहीं पर दिया हुआ है ताकि आप यहीं से डायरेक्ट गाड़ी को सेल्फ स्टार्ट कर सकें, तो ये एक ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। इसी के साथ साथ पार्किंग लाइट्स इसमें दी हुई है जो कि आपके चारों साइड के इंडिकेटर्स आपको दोनों साइड पे यहाँ पे चालू हो सकते हैं। एंड इसी के साथ गाइज यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ ये जो ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है इन्फो एंड ट्रिप का, तो गाइज ये चीज जो दी हुई है ये आपका मीटर कंसोल को आप यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं इससे, तो ये चीज यहाँ पे दे दी गई है। बात कर लेते हैं गाइज लेफ्ट हैंड पे, तो ये यहाँ पे आपको हाई बीम एंड लो बीम सेट करने का ऑप्शन यहाँ पे दिख जाता है। एंड इसी के साथ पास बटन भी इसी के अंदर दिया हुआ है, साथ ही साथ इसके इंडिकेटर्स एंड हॉर्न स्विच, साथ ही साथ इसकी चाबी देख लेते हैं एक बार, चाबी कैसी दी हुई है। यामा की बैजिंग यहाँ पे दी हुई है जैसा कि आप देख पा रहे हैं। लगा देते हैं चाबी को वापस से। तो गाइज इसी के साथ यहाँ पे यामाहा मोटरसाइकिल कनेक्ट के नाम से यहाँ पे जो स्टिकर दिया हुआ है ये ब्लूटूथ कनेक्टिविटी दिखाता है यहाँ पे। एंड इसी के साथ बात कर लेते हैं इसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी के बारे में जो कि आप मस्कुलर टैंक यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। तो गाइज इसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी यहाँ पे 11 लीटर्स की दी हुई है। यामाहा की बैजिंग देखने के लिए मिल रही है यहाँ पे, ये एयर पासिंग के लिए यहाँ पे सिस्टम दिए हुए हैं, काफ़ी यूनिक डिज़ाइन लग रहा है। जैसा कि मैं आपको दिखा पा रहा हूँ गाइज गाड़ी काफ़ी स्पोर्ट्स लुक में जैसी डिमांड में चल रही है तो उसके अकॉर्डिंग गाइज काफ़ी गाड़ी डिजर्व करती है, ये इतनी डिमांड तो डिजर्व करती है। एंड गाइज यहाँ पे मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा जैसा कि R15 वर्जन 4 की हम लोग बात कर रहे हैं, साथ ही साथ मैं आप लोगों को कंपेयर करते हुए दिखा देता हूँ R15 वर्जन 3 में क्या अपडेट्स थे जो इसके अंदर लेटेस्ट आए हैं। तो गाइज यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ ये वर्जन 3 का टैंक है, फ्यूल टैंक। जैसा कि आप यहाँ पे गाइज ये जो चीज देख पा रहे हैं ना, तो इसकी वजह से क्या होता था कई बार के पैर वैर टच होने का रिस्क ज्यादा इसमें रहता था, बट यहाँ पे जो टैंक को अपडेट किया है तो ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो फिनिशिंग यहाँ पे दी हुई है ये काफी टंकी को दबाते हुए दी हुई है एंड काफी सही यहाँ पे अपडेट दी है। तो चलिए गाइज बात कर लेते हैं अब यहाँ पे इस गाड़ी के गियर शिफ्ट पैटर्न के बारे में। 6 गियर्स में गाइज ये गाड़ी आपको मिलती है, तो इसका मैं पैटर्न आपको बता देता हूँ गाइज 1 डाउन एंड 5 अप, ये इसका पैटर्न है यहाँ पे। तो 6 गियर का यहाँ पे गाड़ी का पैटर्न दिया हुआ है गियर्स का। एंड इसी के साथ ये जो चीज़ आप देख पा रहे हैं एडजस्टेबल इसके फुटरेस्ट दिए हुए हैं वो भी दोनों साइड पर है ये पिलियंस के लिए, तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी दी हुई है। एंड ये सेफ्टी का गार्ड है ताकि आपका पैर जो है काफ़ी अंदर तक टच नहीं हो, तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी दी हुई है इसके अंदर। तो बात कर लेते हैं अंदर के सस्पेंशंस के बारे में। तो गाइज जो रियर सस्पेंशन जैसा कि मैं आपको दिखा पा रहा हूँ, इनफैक्ट मैं आपको शायद ढंग से दिखा भी नहीं पा रहा हूँ बट मैं फिर भी कोशिश करूँगा। एंड ये जो सस्पेंशन गाइज इसके अंदर दिए हुए हैं मोनोशॉक से यहाँ पे दिए हुए हैं, तो ये कम्फर्ट के लिए बहुत ज़रूरी होता है एंड कम्फर्टेबल काफ़ी रहते हैं ये। इससे क्या होता है गाइज गाड़ी कभी भी डिसबैलेंस नहीं होती, तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी है इसके अंदर। तो स्पोर्ट्स लुक में जैसा भी आप कोई सी भी गाड़ी देखेंगे स्पोर्ट्स लुक में, उन सभी गाड़ियों के अंदर ये आपको मोनोशॉक सस्पेंशन देखने के लिए मिल जाएंगे। साथ ही साथ इसके पीछे की बात कर ले तो पीछे ये जो साड़ी गार्ड आप देख पा रहे हैं ये मेन चीज़ है एंड ये काफ़ी सेफ्टी के पर्पज से काफ़ी सही होती है। एंड पीछे जो इसमें मड गार्ड्स दिए हुए हैं, एंड मैं आपको पीछे का लुक इस गाड़ी का दिखा देता हूँ। तो गाइस जैसा स्पोर्ट्स लुक आप देख पा रहे हैं इस गाड़ी के अंदर, वैसे इसकी टेल लाइट है, टेल लाइट के साथ इसमें पीछे पकड़ने के लिए इसमें ग्रैब रेल की जगह आपको ये स्टैंड दिए हुए हैं, तो ये चीज़ आप यहाँ से इसको पकड़ सकते हैं। एंड इसी के साथ यहाँ पे डबल साइड के दोनों इंडिकेटर्स दिए हुए हैं, इसके बैक साइड में रिफ्लेक्टर है, यहाँ पे पीछे नंबर प्लेट प्लेस करने का ऑप्शन है एंड रिफ्लेक्टर इसके बोथ साइडों में भी दिए हुए हैं दोनों साइडों पर। साथ ही साथ मैं आपको टायर का साइज इसमें दिखाना चाहूँगा गाइस, काफ़ी हैवी इसके अंदर टायर यूज़ किया हुआ है, MRF का टायर, ट्यूबलेस टायर गाइस इसके अंदर का दिया हुआ है इस गाड़ी के अंदर। एंड इसी के साथ दोनों ही साइड पे जैसा कि मैंने आपको आगे बताया था वैसे ही पीछे भी इसमें डिस्क ब्रेक विद ABS प्लेट, तो गाइस ये काफ़ी ब्रेकिंग सिस्टम को काफ़ी एडवांस बनाता है। पीछे भी आपको अलॉय व्हील विद ट्यूबलेस टायर देखने के लिए मिल जाएंगे।
एंड इसी के साथ मैं आपको दिखाना चाहूंगा यहाँ पे ड्यूअल कलर कोट में जो साइलेंसर फिनिशिंग दे रखी है। तो गाइस ये काफी अट्रैक्टिव लुक इस गाड़ी का दिया हुआ है, जैसा कि मैं आपको दिखा पा रहा हूँ साइलेंसर भी आपको डबल कोट में दिए हुए है। यहाँ पे डिस्क ब्रेक के ऑयल्स के लिए आपको यहाँ पे एक डब्बी यहाँ पे सेटअप दिया हुआ है एक डब्बी में, तो ये चीज यहाँ पे दी हुई है। एंड इसी के साथ फुटरेस्ट करने के लिए जैसे कि आप यहाँ पे पैर रखते हैं तो ये ब्रेकिंग क्लिक ब्रेकिंग सिस्टम दिया हुआ है इसके अंदर डिस्क ब्रेक के साथ। एंड यहाँ पे आपको पैरों की सेफ्टी के लिए ये पार्ट लगाया हुआ है, तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी लग रही है इसमें। एंड इसी के साथ यहाँ पे बैजिंग कहीं पे भी कमी नहीं छोड़ी हुई, तो जिस तरह का स्पोर्ट्स लुक इस गाड़ी के अंदर देखने के लिए मिल रहा है आपको, तो उसी में यामाहा की बैजिंग भी यहाँ पे दी हुई है। एंड जो स्टिकर्स यहाँ पे देखने के लिए मिल रहे हैं गाइस, काफ़ी अट्रैक्टिव इस गाड़ी को लुक दिया हुआ है। तो चलिए गाइस फाइनली अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इसका प्राइस एंड ऑफर। तो गाइस एक्स शोरूम प्राइस इस गाड़ी की है 179,800, दैट मीन्स 189,800 रुपये इसका जो एक्स शोरूम प्राइस यहाँ पे रखा गया है जयपुर में। एंड इसी के साथ गाइस यहाँ पे ऑन रोड प्राइस इस गाड़ी की 214,570 रुपये रखी गई है, जिसमें आपको RTO इंश्योरेंस, नंबर प्लेट, सारी चीज़ें, सारी फैसिलिटीज़ आपको यहाँ से मिल जाएगी। कलर ऑप्शन की बात करें तो गाइस इसके अंदर ब्लैक, ब्लू, सिल्वर एंड एक स्पेशल एडिशन आता है, तो वो आता है मॉन्स्टर। तो गाइस ये काफ़ी आपको यहाँ पे चार कलर ऑप्शंस देखने के लिए मिल जाते हैं। फाइनेंसिस की बात करें तो गाइस ऑल मेजर बैंक्स आर कवर्ड हियर, सो यहाँ पे आपको मेजरली सारे बैंक्स आपको यहाँ पे कवर मिल जाएंगे। एंड इसी के साथ अब मैं आपसे ऑफर डिस्कस कर लेता हूँ। यहाँ पे हमारी वीडियो देखने के साथ साथ आप अगर यहाँ पे कोई भी व्हीकल आप यहाँ पे परचेज करते हैं तो गाइस उसमें आपको 2,000 रुपये एडिशनल कैश डिस्काउंट मिल जाता है। और जहाँ तक बात करें इस गाड़ी के फाइनेंस ऑप्शन में तो गाइस यहाँ पे डाउन पेमेंट रखा गया है, इस गाड़ी का मिनिमम डाउन पेमेंट 60,000। तो गाइस मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे जयपुर में अजमेर पुलिया के पास आकड़ मोटर्स में हम लोग ये गाड़ी यहाँ पे शूट कर रहे हैं। एंड इस गाड़ी का ये जो ऑफर है जो मैंने आपको 2,000 रुपये कैश डिस्काउंट का बताया है गाइस, ये ऑफर आपको इसी शोरूम पे मिलेगा। एंड इसी के साथ इसका एड्रेस, जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स होती है, वो सारी डिटेल गाइज मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो गाइज उम्मीद करता हूं आप लोगों को वीडियो पसंद आ गया होगा। एंड इसी के साथ हमारा ऑफर भी, जैसा कि हम हर वीडियो में आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ नए ऑफर्स लेकर आते हैं, तो गाइज हमेशा नए ऑफर्स एंड नए अपडेट्स के लिए हमारे वीडियो से जुड़े रहें। वीडियो से जुड़ने के लिए, हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।